बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो ये पत्ता गोभी होती है इसमें एक कीड़ा होता है जो ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाके डेवलप हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो क्या ये गोभी के अंदर कीड़े में कोई सच्चाई है, और क्या इस बात में सच्चाई है कि ब्रेन में जाके वो कीड़े डेवलप हो जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक का एनालिसिस करेंगे और इसी पे डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexy.com पर जाइए, सही सलाह पाए, सही प्रोडक्ट पाए और पैसे भी बचाए। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो वेजिटेबल सैलेड खाने से उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वेजिटेबल सैलेड का ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम होता है और कम ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन इसमें एक वेजिटेबल है जिसको हम कहते हैं पत्ता गोभी, और बहुत से लोग पत्ता गोभी नहीं खाना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है जो दिमाग में चला जाता है और दिमाग में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग पत्ता गोभी खाने से कतराते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये ब्रेन में जो कीड़े हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या ये सचमुच में होते हैं। तो ब्रेन में कीड़े सचमुच में हो सकते हैं, और इसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। तो जो सिस्टिसरकोसिस है ये टेप वर्म का इन्फेक्शन है। तो टेप वर्म क्या, वो पेट के जो कीड़े होते हैं उनको जनरली जो टेप वर्म के नाम से हम जानते हैं। तो सुअर के मांस खाने वालों के अंदर एक कीड़ा जा सकता है जिसको कहते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम पिग्स में पाया जाता है, और जो लोग सुअर का मांस खाते हैं जिसको इंग्लिश में पॉर्क कहा जाता है सुअर के मांस को, तो वहाँ से अगर वो अंडर कुक्ड है या ठीक से कुकिंग नहीं की गई है तो वो जिसने खाया उसके पेट में जाएगा, और ये टीनिया सोलियम पेट में जाएगा, वहाँ बहुत सारे अंडे देगा, वो अंडे ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से वो ब्रेन में चले जाएंगे और ब्रेन में जाके वो डेवलप हो सकते हैं। और इसका जो क्लासिक सिम्टम होता है कि अगर ब्रेन में ये कीड़े डेवलप हो गए हैं तो वो बहुत हेडेक रहने लगता है, और जब इसकी मेडिकल डायग्नोसिस की जाती है तब हो सकता है ये पता लगे कि भाई ये जो ब्रेन में जो हेडेक हो रहा है ये इस कीड़े के कारण है। तो न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो सकता है, बहुत ही कम केसेस होते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी होने की। अब ये तो था ब्रेन का कीड़ा, अब आ गया गोभी। तो गोभी का इसके साथ में क्या कनेक्शन है, इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की कि गोभी जिसको हम कैबेज कहेंगे, तो गोभी का, पत्ता गोभी का न्यूरोसिस्टिसरकोसिस से क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? तो मुझे इस पे कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर नहीं मिला, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि गोभी खाने से न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो सकता है, ब्रेन में कीड़े हो सकते हैं। तो ये अफवाहें हैं जो फैली हुई हैं, जिसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब अगर हम इसको ये ढूंढने की कोशिश करें कि ये अफवाह उड़ी होगी तो कहाँ से उड़ी होगी, क्या ओरिजिन रहा होगा, क्योंकि अफवाह फैली हुई तो है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो इसका जब मैंने एनालिसिस किया तो ये मुझे कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिला, पर मैंने कुछ कनेक्शन इसके बनाने की कोशिश की, हो सकता है उसके कारण हो गया हो। तो अगर हम ये देखें कि पिग्स का जो प्रोडक्शन है, पिगरी फार्म्स जो हैं या पिग्स का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है चाइना में। ऑलमोस्ट 40% दुनिया में जो पिग्स खाए जाते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो है चाइना में। उसके बाद होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर उसके बाद है अमेरिका में। हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, और अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो यहाँ पे चिकन होता है या जनरली फिश होती है, और पिग्स का जो नॉर्मल कंजप्शन है हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम लोग हैं जो कभी खाते होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चाइनीज़ फूड होते हैं, वो चाइनीज़ फूड जैसे चाउमीन, तो चाउमीन में क्या होता है, बहुत सारी पत्ता गोभी होती है, वो नूडल्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा पिग्स कहाँ पाए जाते हैं,
वो चाइना में पाए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने वो पिग्स और वो चाउमीन को इकट्ठा करके गोभी के ऊपर वो सारी चीज़ें लाद दी हों और वो अफवाह पूरी जगह फैल गई हो? क्योंकि जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्पीड से जाती हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जाती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी इंडिया में होने की बहुत ही कम है। तो सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी एकदम कम है। दूसरा, वो पिग में से निकल के गोभी के अंदर चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी और रेयर है। तो ये कनेक्शन क्रिएट करना कि ये ब्रेन में कीड़े गोभी से आए हैं, ये कभी भी आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि किसके कारण हुआ है। इवन अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया और उसके ब्रेन में ये देखा कि न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस है, ये टीनिया सोलियम, इसके जो एग्स हैं वो पाए गए हैं, तो इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स नहीं पता लगा सकते आप। वो आएगा पिग से, लेकिन वो अगर आदमी ये कहे कि मैंने तो कभी पिग्स खाए नहीं और मेरे ब्रेन में कैसे आ गया, तो वो किसी और सोर्स से भी आ सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आज कुछ खाया और उसमें से टीनिया सोलियम पेट में घुस गया तो दो दिन बाद सिर में हेडेक होने लगा और वो ब्रेन में डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कई साल लग जाते हैं इसको डेवलप होने में। तो ये इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके ये पता लगाना कि न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन साइंटिफिकली जो सबसे बड़ा रीज़न पाया जाता है वो है सुअर का मांस खाना या पॉर्क, उसमें टीनिया सोलियम होता है। तो मुझे ऐसा कोई इविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि गोभी में वो कीड़ा है और वो कीड़ा ब्रेन में जाके डेवलप हो जाता है और खूब सारे कीड़े ब्रेन में हो जाते हैं। तो ये सब अफवाहें हैं, मैं इन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपनी जो सैलेड बनाता हूँ उसमें मैं गोभी रेगुलरली डालता हूँ और कम से कम 10-15 साल से मैं मॉर्निंग में अपनी जो रॉयल सैलेड बनाता हूँ उसमें गोभी का कंजप्शन कर रहा हूँ। तो बाकी आप गोभी कंज्यूम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर साइंटिफिकली मुझे इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।